आगे तो बढ़ जाता है, लेकिन आगे देखता हूँ तो भाई पूरी की पूरी गाड़ी लगी है मेरे इंतजार में। तो यार यहाँ से फटाक से कल्टी मारता हूँ और आगे जाता हूँ, तभी देखता हूँ कि नॉक हो गया। अब यार ये बंदा तो एकेएम से इतने दूर मारता है तो मेरे को थोड़ा सा डाउट जाता है पहले कि यार हैकर है, बट फिर भी मैं कंफर्म करना चाहता था। उसके लिए मैंने अपने टीममेट्स को बोला भाई जाओ यार ऐसे मैं मतलब मेरी गाड़ी रुक गई थी और बंदे आराम से इजी मेरे को मार गए। तो यहाँ पर मेरी जब टीममेट जाता है तभी अचानक से देखिए क्या होता है। अब गाइस एक तरफ ये कंफर्म हो चुका था कि वो बंदा हैकर और दूसरी तरफ मेरा बस आखिरी बंदा सरवाइव कर रहा था और ये भी यहाँ पर थोड़ा सा चला के दिखाता है। अब यहाँ पर ये स्ट्राइविंग करना चाहता था और मैं इसको लॉबी में देखना चाहता था। मैं बोलता हूँ अंशु तो अंशुमान नहीं तो हनुमान है, सर्वशक्तिमान है, भगवान है, जा तू आराम से किसी पर भी फोन कर देगा। देखो कमीना दोस्त वही होता है जो अपने दोस्त को जिंदा ना रहने दे। तो इसके लिए चढ़ा देता हूँ और उत्तम भाई चढ़ के एकदम पूरा बग्गी लेके घुस जाते हैं। गाइस वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ आयन रेकल। और गाइस मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना कि मैं आपको बताऊंगा कि हैकर्स को हम लोग मिलके कैसे बैन कर सकते हैं एक साथ, तो वो वीडियो आ जाएगी शाम को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। बाकी यार यहाँ पर देखो कितना कमीना दोस्त है, दोनों की दोनों गन उठा लिया यार, मतलब थोड़ी जितना नहीं दोनों गन गिरा दिया भाई। अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है। नहीं 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 वो देख रहे हो सामने M4 पड़ी है भाई, चलाक है भाई, अच्छा भी है खराब भी है, चलाक भी क्या है क्या नहीं है, लेकिन हाँ नीचे बंदे हैं। और गाइस उनको देखो क्या स्टाइल में निपटाऊंगा। एमजी की आवाज सुनी भाई, इसका अलग ही लेवल का स्कैम चलते रहता है, दुनिया यहाँ पर फाइट ले रही है। वो चाचा ओ चाचा ए चाचा क्या चाचा कर रहा है। खैर चलिए यहाँ पर ये दो ही बंदे थे और दोनों के दोनों बंदे खत्म हो जाते हैं। लेकिन सामने वाली यानी कि रोड साइड वाली सी बिल्डिंग पे भाई साहब वहां पर कुछ खास बंदे हैं। वैसे नाम देख रहे हो बाप आया नाम लिखा था भाई, क्या कैसे कैसे लोग। खैर ये बंदा शायद ऑफलाइन था और इसको नॉक कर देता हूं। वैसे कैसे अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक ना तो रुके रहो, अभी थोड़ा सा और रुक जाओ, आपको लाइक करना ही पड़ेगा ठीक है। देखो बस क्या होता है। वही ट्रिक तो एकदम बराबर लगा, लेकिन साइड में देखो भाई कहां फंस गया भाई, क्या हो गया ये। तो भाई ये कैसा क्लच था भाई, अजीब अगर मतलब साइड में जिस बंदे के जाके खड़ा हो गया। और भाई पसंद आया ना तो यार देखो लाइक का बटन दबा देना यहाँ से ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगता, बस तुम्हारा भाई खुश हो जाता, तो खुश करने के लिए भाई लाइक कर दो। और हाँ गाइस इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक सारा मिल जाएगा, मतलब जहां जहां आप एक्टिव हो वहां वहां तुम्हारा भाई भी एक्टिव है तो फॉलो कर लेना। बाकी यार आगे चलते हैं रस्ते में, देखते हैं कौन है, क्योंकि हाँ मजा बहुत आएगा। आयन रेकल की वीडियो देख रहे हो यार आप। और भाई ये किल भी तुम्हारा भाई आयन रेकल अपने नाम कर जाता है। वैसे जो गाड़ी चलाता है उसका हमेशा ये नुकसान रहता है कि चलती हुई गाड़ी पे जब सामने आपके बंदे आ जाए तो आप नहीं मार सकते, वैसे थोड़ी सी लालच आती है लूटने की। लेकिन भाई नंगा कर दिया भाई, कितना गंदा लूटा यार इस पेटी को, शर्म आनी चाहिए भाई, इतना कौन लूटता, मतलब थोड़ा सा तो छोड़ देते, एक एमओ छोड़ देते भाई, उस तरीके से रख लेते। क्या गाड़ी फ्यूल खत्म होता, गाड़ी हम लोग चेंज करने जाते हैं कि फायर आता। तो भाई ये फाइट में थोड़ा से अपशब्द आ गए थे इसलिए मेरे को सीन कट करना पड़ा, मेरे माइक से नहीं आए थे, किसी और के माइक से आ रहे थे ठीक है। तो यहाँ पर बॉट को निपटाता हूँ, दो बंदे खत्म हो चुके थे, दो बंदे इन बंदों के बचे हुए थे और एक बंदा जो था वो था उस पहाड़ी पे। तो मैं बोलता हूँ भाई चला आज चक दे पड्डे कर देंगे, पहाड़ी क्या है इसकी तो आड़ी पाड़ी सब चढ़ जाएंगे। अगर यहाँ पर मैं चक दे पड्डे करने आया था लेकिन ये गड्ढे में भाग गया था, तो यार देखो अब कुछ कर नहीं सकता था ठीक है। एक बंदे के चक्कर में आप लोग बहुत सारे बंदे की फाइट या फिर खेल छोड़ नहीं सकते, तो इसके लिए मैं इसको बोलता चल जा रहे तू खड्डे में रहे, अपन जा रहे हैं यहाँ से। लेकिन और भाई यहाँ पर ये बंदा निपट जाता है। वैसे अभी आपने किलफिट भी ध्यान दिया, नेहा गेमिंग नाम की एक बंदी है जो कि हैकर है, बंदी नहीं है वो बंदा ही रहता है बट वो हैकर है ठीक है। बहुत किल चुराया जा रहा था, बहुत हेडशॉट मारे जा रहा था। और हाँ गाइस मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ठीक है, क्योंकि कभी कभी ना यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता ठीक है। अब यार यहाँ पर वापस से गड़बड़ हो जाती है, तीन बंदे हम लोग फिनिश करके आए थे, चौथा बंदा तो बचा ही था और वो चौथा बंदा हम लोग को प्रशील को निपटा देता है। सो अब हम लोग वापस जाते हैं कि भाई चले यार बदला लेके आते हैं, लेकिन तब तक एमजी भाई सब कुछ चंगा कर देते हैं। तो यार अब जाते हैं आगे बढ़ते हैं और देखिए क्या होता है। तो भाई देख रहे हो कैसे बुला रहे हैं, तो यार ये स्क्वाड पक्का कैम करके बैठी है और बहुत ही खतरनाक प्लान लगा के बैठी है, तो भाई अपने को एक ही कदम अपना ना फुक फुक के रखना पड़ेगा।
I need attachments. क्या कैंपर बनेगा रे तू भाई, मतलब कौन सा, ये क्या, क्यों हम लोग को बुला क्यों रहा था, मरने के लिए खुद को? खैर आगे बढ़ते हैं। तो भाई साहब पूरी की पूरी स्क्वाड वहां पर बैठी और मैं ऐसे चैन से बैठ नहीं सकता, मैं जाता हूँ भाई, बोलता हूँ एमजी तैयार है ना, मारेंगे या तो मरेंगे भाई, जो होगा भाई बहुत खतरनाक होगा, ध्यान से देखिएगा। और भाई क्या बात है यार, पहली स्क्वाड यहाँ पर खत्म हो जाती, दूसरी स्क्वाड बची हुई है, और गाइस क्या लगता है क्या होगा, क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा? और हैकर तो बची है ना, अरे भाई मतलब मेरे को ही हैकर भाई, क्या यार कुछ भी, खैर कोई बात नहीं यार, यहाँ पर मैं डेविल को बोलता हूँ, बोल दे आई एंडिया खेल, आई एंडिया खेल, तो शायद पहचान जाए। चलिए गाइस ऑल वालों को डेविल बता देता कि आई एंड खेला है और बीजेएमआई का पार्टनर है। वैसे गाइस अगर आपने अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करके नहीं बताया तो प्लीज यार शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं यार, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। खैर यहाँ पर मैं ट्रिक लगा रहा हूँ क्योंकि सारे के सारे बंदे बाहर बैठे हैं, ठीक है, और उनसे फाइट लेना है तो भाई हाइट का फायदा तो उठाना ही पड़ेगा। ओके तेरे नेट की बड़ी तारीफ कर रहे हैं सब, तेरे नेट की तारीफ कर रहे हैं भाई, बहुत परफेक्ट मार रहे हैं। तो देखा गाइस यही होता है, अगर रैंडम बंदा आ रहा है तो उसको बोलेंगे भाई हैकर है, लेकिन अगर जानते हैं ना पहचान वाला है कि यूट्यूबर है बड़ा, तो बोलते हैं भाई एकदम परफेक्ट मार रहा है, तारीफ और चलने लगी। मतलब देखो हैकर बोलने से तारीफ तक भाई मतलब ये सब चलते रहता है, लेकिन वो नेहा गेमिंग भाई दूर से वही मार रहे थे मेरे को, ठीक है, क्योंकि अभी उसने एक बंदे को फिनिश किया था और यहां पर राइट से बंदा एंगल ले सकता था, इसके लिए मैं स्मोक करता हूं और फॉल बैक कर लेता हूं पीछे, ठीक है, क्योंकि अपने पास अभी नेट नहीं बचा, तो यहां पर पेटी वेटी थी दो तीन बंदों की, तो उसकी पेटी लूटता हूं, वापस से तैयार हो जाता हूं नेट वेट लेके। और नहीं 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 बंदा ठीक मेरे सामने ही है, लेकिन आज नेड करने का कोई चांस ही नहीं था। और ये देखो भाई नेहा गेमिंग, ये वही हैकर थी जिसने अपने आप को उड़ा दिया, भाई क्या हो गया इसको? खैर कोई बात नहीं, ज्यादा मतलब जो भी हो उनका, खैर अपने को क्या है, अपने को यहाँ से गलती मारने का है, नेड करता हूं लेकिन भाई नेड काम नहीं करता। पीछे की तरफ से मेरे को लगा कि कोई इसका बंदा है जो कि कवर दे रहा था, क्योंकि एक बार मेरी एचपी काफी ज्यादा कम हो चुकी थी, तो मैं ट्राई तो करता हूं नेड करने का, लेकिन थोड़ा डर डर के कर रहा था, ठीक है, क्योंकि मैं रिस्क लेना नहीं चाहता था, नॉक कर देता तो भाई पूरी बनी बनाई गेम खत्म हो जाती। और लेकिन निकलेगा बंदा पक्का, और भाई यहाँ पर तो ये बंदा गलती मार लेता, लेकिन ये एक बंदा नहीं था, दो तीन बंदे थे, ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्या होता है। अभी सो रहा है घास में सो रहा है बबी के सामने, नहीं क्या भाई साहब पेटी है, लेकिन भाई देखो जब ऐसी फाइट होती है ना तो भाई एक ही कदम फूक फूक के रखना पड़ता है। वैसे अब आ तो यहाँ पर क्योंकि वो बंदे यहीं पे भाग के आए होंगे, इसी साइड से उन्होंने ब्रिज को क्रॉस किया होगा, लेकिन यहाँ पर वो रहते नहीं है, सो चलते यार, ये बस आखिरी कंपाउंड बचा था क्योंकि यासना में भी वो थे नहीं। और क्या लगता है गाइस यहाँ पर वो मिलेंगे और जो फाइट होगी कैसी होगी?
अरे यार बुरा लगा, इसका नेट ही काम कर रहा था बेचारा, ऐसे ही ऑफलाइन खड़ा था। लेकिन भाई देखो फाइट में, इश्क और जंग में कुछ बेचारा नहीं होता, कुछ प्यारा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर हिल मारने का साउंड था, मेरे को समझ आता है कि बंदा यहीं पर है, लेकिन रश करना सही नहीं है क्योंकि बाहर की तरफ एक बंदा था, तो उससे बचने के लिए मैं यहाँ पर स्मोक कर देता हूँ, ठीक है। छोटी छोटी बातें जिनको आपको फाइट में ध्यान रखना पड़ता है, और वो बातें आई इंडिया क्लब को बताएगा, तो रेगुलर मेरी वीडियो देखा करिए, ठीक है। ये तो फाइनल गाइस, यहाँ पर ये बंदे निपटते 19 किल हो चुके थे और अब बस आखिरी बंदा बचा हुआ था। तो क्या लगता है गाइस, क्या चिकन डिनर में ले पाऊंगा? और हाँ गाइस, चिकन डिनर के बाद या फिर नहीं होने के बाद आपको मैं दो सस्ते हैकरों से मिलवाने वाला हूँ, ठीक है, तैयार रहिएगा। नहीं मिलोगे, चलिए मैं आपको मिलाता हूँ पहले सस्ते हैकर से, ठीक है। तो ये रहा वो हैकर, ध्यान से देखिए काफी खतरनाक है। और ये चीज़ यहाँ पर आराम से निपट गए। तो यार ये पहला सस्ता हैकर है जो कि स्पीड हैक लगा के आया था। घर के पीछे से देखो कैसा गप कर निकला, यहाँ पर सेंटर में आया। अब जब यहाँ पर मैं इसके ऊपर प्री फायर देने जाता हूँ तो देखो कैसा सन्नकन भागेगा। देखो हाँ, एक दो प्रेशर को डैमेज दिया, भागा पाइप के पीछे भाई, मतलब इतना स्पीड में आया कर। और भाई स्पीड हैकरों से अगर आपको बचना है ना तो आपको घर में वाली ही फाइट लेनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वो दरवाजे के पास आके सीढ़ी में अटक जाते हैं। और यही का मैंने फायदा उठा, यहाँ पर आया बंदा और ये देखिए ध्यान से, चाचा हमारे रिलोड कर रहे, कर ले बेटे रिलोड कर ले, उससे पहले परलोक सिधर ले। और भाई यहाँ पर इसको आराम से निपटा दिया। तो भाई ये था हमारा पहला सस्ता हैकर। दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, भाई देख किस्मत तो मेरी ऐसी, मैं नहीं 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 अबे भाई कैसे मार रहा है भाई? ये भाई ये कुछ गड़बड़ है इसका। कहाँ है? मैं इसको जोर से फोड़ देता हूँ। अरे सिमेंट्री में फर्स्ट वाले पे। हाँ भाई प्रिंस, नेट से फोड़ने वाला था ना हैकर को। खैर यहाँ पर ये काफी खतरनाक हैकर था और काफी देर तक हम लोग कैंप कर रहे थे, मतलब निकल ही नहीं रहे थे बाहर भाई, क्योंकि हैकर भाई कौन निकलेगा बाहर। तो ये बंदा क्या करता है, छत पे आ जाता है हमारे, ठीक है। और उसके बाद भाई खत्म कर लिया इसका भाई, मतलब ट्रिक लगा रहा था पीछे से घुस के मारूंगा भाई। ये कौन सा हैकर रहता है, सस्ते हैकर रहती है, और मैं भी कोई ट्रिक लगा रहा था सस्ती वाली। देखो यार मतलब देखो कैसा वो जीता 1 करोड़। अरे